और सेंटेंस चल रहा था आपको का कल, अभी इसी को आगे प्रोसीड करेंगे। Multiply 100 4 by 16 multiply 100.
कितना हुआ 25%। वैसे भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 12, 4, 8, 12 और ये 16, ये नंबर दिख रहे हैं आपको, तो ये आपका 25%, ये 25%, ये 25%। अगर ये 5, 5 का डिफरेंस आपका 25, 25 का ही आ रहा है, ये जो डिजिट है आपका, तो आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं। आपका 25 की स्टार्टिंग से जीरो से आप लेंगे कोई भी प्राइस है आपका, तो ये 25, 25 का जो डिफरेंस है, तो ये आप ऐसे भी सोच सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो भी समझ में आ रहा है कि अगर कोई चीज पर्टिकुलर आपका जो पूरा है वो कितने का है, उसका हाफ करके देखिए, फिर उसका बाय 4 करके देखिए, बाय 3 करके देखिए, उसमें भी कई चीजें समझ में आ जाती है कि कितना परसेंट नियर अबाउट हो सकता है। अब इसका आंसर आप लोग बताइएगा। गांव की एक पॉपुलेशन है, वैसे ही सुन लीजिए, सुनने का क्वेश्चन छोटा सा है। गांव की पॉपुलेशन 4000 से 6000 हो गई है, तो पूछा जा रहा है कि परसेंटेज ऑफ रेस कितना है। पॉपुलेशन आपकी 4000 की स्टार्टिंग में, उसके बाद 6000 हो गई है, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज यानी कितना इंक्रीज हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको बिल्कुल जो अभी दो तीन क्वेश्चंस बताए हैं उसी के बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। कितना आ रहा है? 50%। आगे सभी का सिंपल, सबसे पहले ऊपर आप डिफरेंस रखें, 6000 माइनस 4000, बेसिक कितना है आपका, स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी, 4000, 6000, तो बाद में हुई इंक्रीमेंट के बाद, स्टार्टिंग में पॉपुलेशन 4000 थी, तो नीचे हम क्या रखेंगे, 4000 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमसे परसेंटेज में पूछ रहा है। अब अगर ये परसेंटेज में नहीं पूछता तो हम इतना ही करके बता देते, हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ये भी ध्यान रखना है कि हमसे परसेंटेज में पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। जब परसेंटेज पूछेगा तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, अदरवाइज नहीं करेंगे। सॉल्व कर लीजिए बस। हाँ 50 आएगा, लेकिन आप लोग सभी लोग आंसर नहीं बता रहे ना, इसलिए हमको करके बताना पड़ रहा है। आंसर तो 50% ही आएगा, लेकिन जब नहीं करके बताएंगे तो हमें बताना पड़ेगा ना। जब 4000 था, 4000 का हाफ कितना हुआ, 2000, ऐसे ही करके देखिए, 50% तब भी सोच के देखिए, 4000 का 50% कितना हुआ, 2000, यही तो हो रहा है। तो अगर 2000 इंक्रीज हुआ, 4000 से 6000 हो गया, तो 50% का एक इंक्रीमेंट है। आप अगर पेन नहीं उठाते तो भी इसे कर सकते थे, पेन की भी जरूरत नहीं है, लेकिन बाई मेथड करेंगे फिर ये प्रोसीजर है आपका करने का। चलिए देखते हैं इसको कौन बताता है। एक व्यक्ति के वेतन में एक व्यक्ति का वेतन 7200 से 8100 हो गया है, तो कह रहा है कि परसेंटेज इंक्रीमेंट, कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितना बढ़ गया है, परसेंटेज वृद्धि आपको बतानी है 7200 से 8100। अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। कितना आया पीछे से, पीछे नहीं आया किसी का भी, उसी टाइप के क्वेश्चन करा रही हूँ, 4-5 हो गए कराते कराते उसी टाइप के क्वेश्चन, सभी भी नहीं आ पा रहे हैं। बड़े क्वेश्चन कैसे उठाओ बताओ, तो छोटे छोटे आंसर नहीं दे रहे हो।
इनिशियल एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन सिंपल आपको क्या करना है, ऊपर पहले डिफरेंस रखिए, डिफरेंस रखिए, पहले आपको सिंपल एक ही मेथड आपको बताने से 8100 7200 आपने माइनस किया, नीचे 7200 मल्टीप्लाई 100 बस माइनस कितना आया 25% की वृद्धि हो, मासिक आय में 25% की वृद्धि हो तो उसकी नई मासिक आय क्या है? आ गया सभी का, तो सभी लोग आंसर बता दो फिर। पीछे की दो चेयर्स उसमें से कोई आंसर बताइए। 15,000 कब देते, बताते क्यों नहीं, मुझे क्या पता आया है कि नहीं आया, ऐसे तो मुझे लगेगा कि आप नहीं कर पा रहे। 12,000 है, कितनी बढ़ोतरी की है 25%। अब आपसे बस यही पूछना है, देखिए एक मेथड इसका ये है कि हम 12,000 रखें और हर मंथ 25% बढ़ाए तो उसको निकाल लें, उसके बाद उसको प्लस करते हैं। दूसरा डायरेक्ट हम रख लें कि कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है और उससे निकाले, दोनों बता दे रहे हैं जिसको जो आप करना है। सिंपल हमने ये 12,000 रखा, अब ये 12,000 का 25% ठीक है, एक तो ये हो गया कि हमारा इतना सैलरी जो हमें मिल रहा है उसका 25% यानी कितना जो सैलरी मिल रहा है उसका 25% निकाल लें, वो हमने निकाल दिया इसका, यानी 25% हमारा 3,000 हो रहा है। अब उतना तो मिलेगा ही, 3,000 और मिलेगा, तो हमारा मंथली अब 15,000 हो गया। एक मेथड हो गया, दूसरा सेकेंड मेथड है आपका, जैसे हमारे पास ये क्वांटिटी दी हुई है, अब हमारे पास जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि बढ़ोतरी हो रही है या कुछ घट रहा है तो जो भी हो रहा है उसको 100 में हम प्लस करेंगे, अगर कमी हो रही है तो उसको माइनस करेंगे, तो ये 25% बढ़ रहा है तो 100 प्लस 25 अपॉन 100 डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं इसको, 125 बटे 100 बस इसके बाद देखो ये कितना आ रहा है, इससे ये कट गया, ठीक है, इससे भी आंसर आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना इंक्रीमेंट रहेगा, अगर इंक्रीमेंट कह रहा है तो आप 100 में जोड़ दिया, अगर कह रहा है 20% कम हो गया तो आप यहाँ कितना रखेंगे 80, 100 में से 20 माइनस कर दीजिए, कह रहा है 40% कम हो गया तो यहाँ 60 रख दीजिए, ठीक है, जितना इंक्रीमेंट कहेगा तो जोड़ के रख दीजिए 100 में, अगर डिक्रीमेंट कहेगा
आए। बड़े बड़े क्वेश्चंस में आप ऐसे ही करेंगे, इस तरह से जोड़ेंगे तो निकालते ही रह जाएंगे। ठीक है, 16 2 by 3। पहला तो क्वेश्चन पढ़ने से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि एक का पूछ रहा है कि वो उससे उतना लंबा है। जैसे इसमें कह रहा है राम श्याम से 20% अधिक लंबा है, राम श्याम से, तो इसका मतलब है कि राम बड़ा हो गया, श्याम छोटा हो गया, वो उससे 20% लंबा है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि श्याम राम से कितना परसेंट कम लंबा होगा, तो इसका मतलब है 20% से तो कम ही आंसर आएगा हमारा, ये क्लियर है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आप इस तरह से ऊपर रखेंगे, जितना भी परसेंट कहेगा फिर आंसर निकालेंगे। अभी ऐसा एक बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन एक रिवर्स में भी बताएंगे, अगर रिवर्स है ध्यान क्या करेगा। पहले एक क्वेश्चन इस टाइप का लिखिए, आप कर पाते हैं कि नहीं। यदि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, 30% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए, तो खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, उसका थोड़ा सा
फ्लाइट्स होती हैं खाना शुरू करते हैं, क्योंकि हम अपने बजट में फर्क नहीं चाहते हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन में सेम टू सेम यही कह रहा है कि अगर प्राइस बढ़ गया तो उसकी खपत को इतना कम कर दें कि हमें कोई फर्क ना पड़े। तो हमें सिंपल क्या करना है, 30% कह रहा है तो यहाँ बढ़ती है वहाँ कटी कर दीजिए और फॉर्मूला आपका यही अप्लाई हो जाएगा। यदि x y से 30% छोटा है, यदि x y से 30% छोटा है तो y x से कितना परसेंट अधिक है, तो y x से कितना परसेंट अधिक है। आंसर आ गया किसी का? 300/7 आ रहा है आंसर, 300/7%। ठीक है, इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, जो अभी आप मेथड ऑफ कर रहे थे जैसे x अपॉन आपने अभी प्लस किया, यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस। ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको। कितना कह रहा है, 30% कह रहा है, आपने 30 रखा यहाँ पे, तो उसकी आय कितनी है,
क्वेश्चन लिख लिया सही से। चलो स्टार्ट करें। ठीक, सबने अपने अपने पेन तोड़ दिया है या रख दिया है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो लगता है मान लो उसकी इनकम 100 रुपीज है। 100 रुपीज से हम स्टार्ट करते हैं कि उसकी इनकम 100 रुपए है। सबसे फर्स्ट बात कह रहा है कि वो 50% खाने पे खर्च कर रहा है। पहली चीज तो 100 का 50% कितना होगा? अरे इतना तो बताओ, 100 का 50%। आवाज क्यों नहीं निकल रही गाइस तुम लोग की? तो आवाज यहाँ से क्यों नहीं आ रही? अगर मेरी आवाज पीछे तक जा सकती है तो आप लोग की आवाज पीछे से आगे भी आ सकती है। कोई बाउंड थोड़ी ना लगा बीच में कि नहीं आएगी। 100 का 50% 50/100 अगर नहीं आ रहा है कैसे निकालो? हम तो इसके लिए सारे स्टेप लिख लिख के बताते हैं, एक भी स्टेप मिस नहीं करते हैं कि जिसको बिल्कुल भी नहीं आ रहा वो भी समझ जाए। अब 100 का 50% आपने 100 लिखा, 50% लगाए, 50 को 50/100 लिखा, 100 से 100 कट हो गया 50। क्या 8600 आंसर आएगा जिसका आया है? ठीक है, नहीं तो देखो ये आ गया 50 रुपए। दूसरा क्या कह रहा है? 60% किराए पर खर्च कर रहा है। अब उसने इतना 100 में से 50 रुपए तो खर्चा कर लिया, अब उसके पास कितना बचा है? 50 रुपए। अब इसी में तो काम चलाएगा वो, तो 50 रुपए का 60% कितना होगा? 30। ठीक है, अब उसके पास हो गए 30 रुपए, ये भी गए। अब कितने बच रहे हैं भाई? 100 रुपए उसकी सैलरी है, मान के चलो कि उसके पास 100 ही रुपए हैं। तो पहला 100 रुपए में से 50% यानी 50 रुपए उसने खाने पे खर्च कर दिए। अब बचे उसके पास 50 रुपए। अब उस 50 रुपए में से 60% वो किराया दे रहा है, इसका मतलब 30 रुपए उसने किराया दे दिया। अब कितना बचा उसके पास? 20 रुपए। थर्ड कह रहा है कि 50% अन्य खर्चे कर रहा है। घूमने उमने भी तो जाएगा नहीं कि नहीं? घूमने उमने नहीं जाएगा, बस किराया करेगा और खाना खाएगा बस। ठीक है, अब बच्चे उसके पास 20 रुपए। अब 20 रुपए का 50% इस पे खर्च कर रहा है। अब 30 का 50% 10 रुपए
रुपए से बनाया तो 1 रुपए में इतनी बचत होगी और 860 रुपए इतना होगा सर जी। बस इस तरह से निकाल लिया, कोई डाउट ही नहीं। रखने के बहुत सारे मेथड होते हैं लेकिन पहले एक मेथड तो सीखो कि पता चला एक ही मेथड नहीं आ पा रहा है। परसेंटेज में तो एक क्वेश्चन को करने के 4-5 मेथड होते हैं लेकिन पहले एक तो सीख जाओ सही से। चलिए अब आपका देते हैं यूपीएससी 21 का क्वेश्चन, 2021 का क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन हम सारे करा ले रहे हैं कि आपको अगर नहीं भी करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे चैप्टर के लेटेस्ट क्वेश्चन 4-5 सालों के हम वही जैसे एक तो बेसिक हमने करा दिया उसके बाद वो सारे क्वेश्चंस भी करा दे रहे हैं आप, क्योंकि बाद में होता हो नहीं पाता है कि बाद में सोचेंगे हम कराएंगे आराम से बैठ कर, हमारे पास टाइम है आपके पास टाइम, फिर हमें दूसरा टॉपिक दे दिया जाता है तो हम दूसरा शुरू कर देते हैं, वही होने लगता है। चलो देखो, एक परीक्षा में पी ने क्यू से 40 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, 40 अंक अधिक प्राप्त किए हैं यदि क्यू ने पी से 10% कम अंक प्राप्त किए, यदि क्यू ने पी से 10% कम अंक प्राप्त किए तो क्यू ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। फिर से सुन लीजिए, एक परीक्षा में पी ने क्यू से 40 अंक अधिक प्राप्त किए, यदि क्यू ने पी से 10% कम अंक प्राप्त किए तो क्यू ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। देखिए अब शायद लग जाए आपसे, अब लग जाना चाहिए। सबसे पहले क्या कह रहा है, पहली कंडीशन में कि P को Q से 40 अंक अधिक मिले हुए हैं, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, P इक्वल टू 40+Q। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है आपको, Q ने P से 10% कम अंक प्राप्त किए हैं, दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब आपके पास इस तरह से देखिए तो दो इक्वेशन बन गई, अब दोनों इक्वेशन के थ्रू आपको P और Q निकाल लेना है, आपसे पूछा गया है Q, बस P = 10Q तो P बराबर हो गया 40+Q, हमें क्या निकालना है, Q निकालना है, तो हमें यहाँ से P को हटाना पड़ेगा इस इक्वेशन से। जब हमें Q निकालना है, Q के मार्क्स को हम P को हटा दें, हमने यहाँ से सबसे पहले 90 = 10Q निकाल लिया, इसका मतलब हो गया कटेगा तो है नहीं ये, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 10Q/9, इसको यहाँ पुट कर दीजिए 10Q/9 इक्वल टू 40+Q, 10Q/9 क्यू को यहाँ ले आइए इक्वल टू 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10Q में से 9Q जाएंगे कितने बचेंगे 1, क्यू बचेगा
तो ये हमने कर दिया, उससे आपको रिलेशन मिल गया दोनों के बीच। अब दोनों के बीच रिलेशन मिल गया, हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख दिया, क्यू इक्वल टू निकाल लिया। अब अगर हमसे यहाँ पे पी पूछ लेता है कि पी के कितने मार्क्स हैं, तो हम क्या करेंगे, 40 प्लस क्यू, तो 40 उसमें जोड़ दो बस। पी इक्वल टू क्या है, 40 प्लस क्यू, 40 प्लस 360, 400। पी के मार्क्स हैं 400, क्यू के 360। बस ये भी हो सकता था कि पी का पूछ लेता, तो आप एक से और आगे बढ़ जाते बस। नहीं तो आप यहां से भी कर सकते थे, तब आप क्यू इक्वल टू निकाल लेते और उसमें पुट कर देते। मेथड तो बहुत सारे हैं। अभी थोड़ा सा सिंपल परसेंटेज का प्रैक्टिस और करिए आप, तब निकाल पाएंगे। बड़े क्वेश्चंस तब निकलेंगे जब आप सिंपल सिंपल परसेंटेज निकालना सीख जाएंगे। बड़े क्वेश्चन हम इसी के लिए कराने चाह रहे थे, जब देख रहे हैं आप लोग छोटे नहीं निकाल पा रहे, तो बड़े बड़े हमें कराने से कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन दो चार तो कराई है, नहीं तो गाँव के मन में छोटे छोटे वाले क्वेश्चन करा लिए थे, ये भी आप आता है। चलो यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन 22 से करें। चलो पहले 22 अलग लिख लो, नहीं नहीं 22 अलग, पहले 22 और 20 अलग, ठीक है, पहले 22 अलग। एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु की कीमत अगर आपकी क्लास सही से की होगी तो उसको निकालोगे, हम ये भी बता रहे पक्का। एक वस्तु की कीमत में 25% वृद्धि की गई, ये 22 वाला क्वेश्चन है। एक वस्तु की कीमत में 25% वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत में 20%, इसके बाद तत्पश्चात का मतलब होता है उसके बाद, कीमत को 20% घटा दिया गया, कीमत को 20% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया, और फिर 10% बढ़ा दिया गया, कीमत में परिणामी वृद्धि क्या है, कीमत में परिणामी वृद्धि क्या है। फिर से सुन लीजिए, एक वस्तु की कीमत में 25% वृद्धि की गई है, उसके बाद 20% घटाया गया है, उसके बाद 10% फिर बढ़ाया गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइनल इंक्रीमेंट कितना है, ये पूछ रहा है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ले लीजिए आप लोग, 10%, 12%, 14%, 16%, और ऑप्शन जारी चाहिए क्या, और ऑप्शन चाहिए और क्या, तो चार को आज जो क्लास ली है उसी में पीछे पढ़िए मिल जाएगा, अभी मैं करके दिखाऊंगी तो आप देखिएगा उसी में से हो जाएगा, आप लोग बाहर पकड़ नहीं पा रहे। पहले 25% इंक्रीमेंट, फिर 20% इंक्रीमेंट, फिर 10% इंक्रीमेंट, ठीक है, यही है क्वेश्चन आपका। अब देखिए आपके पास स्टार्टिंग में है 100 रुपीज, मान लिया आपने 100 है, अब 100 का 25% इंक्रीमेंट हुआ है, जैसे पहला ये क्वेश्चन हमने जो आपको कराया था 12,000 वाला, याद है 12,000 वाला जो क्वेश्चन कराया था, तो उसमें बाद में या तो आप जोड़ के निकाल लीजिए या तो डायरेक्ट हमने कहा था किसी में से आप करके निकाल लीजिए। अब 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब हम इसको 125 लिख सकते हैं, 100 प्लस 25,
हमें तुरंत अमाउंट पता चल जाएगा। तो हमारा यहाँ अमाउंट कितना आ गया 125, ये हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है, अब ये अमाउंट हो गया, उसके बाद ये कह रहा है कि 20% अब कम हो गया, तो 20% हम इसी अमाउंट में कम करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम 100 में करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस से कम हो रहा है, ऊपर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ये सब हो रहा है ना, तो जो अमाउंट हमारा आता जाएगा उसी में आगे हम प्रोसीड करते जाएंगे। बस 125 आया, अब 125 में कह रहा है कि 20% इंक्रीमेंट हो गया, तो 100 - 20 80/100 100 आ गया। ठीक है, 100 आ गया यहाँ तक। उसके बाद आप इस अमाउंट को फिर लेके चलेंगे, अब क्या हो रहा है 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे 110। भाई 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 ही तो हो रहा है, 110/100। अब कितना अमाउंट आ जाएगा 110, 100 कट गया 110। अब आपसे पूछ रहा है कि कितना परिणामी वृद्धि होगी, तो 110 - 100, हम 100 लेके चल रहे थे ना, अब परसेंटेज में पूछ रहा है मल्टीप्लाई 100। बस कर सकते थे ना इसको, बिल्कुल टफ नहीं था, ये जो आपको मैंने अभी कराया था वाला क्वेश्चन उसी को थोड़ा सा और प्रोसीड कर दिया, उसी में 2 पॉइंट्स और जोड़ दिए थे, और क्या किया था, उसमें एक ही बार निकालना था, इसमें 2 बार और निकालना था। बस सबसे पहले हमने इस अमाउंट को निकाला, फिर उसके बाद देखा कि उसमें 20% इंक्रीमेंट हुआ, तो हमने यहाँ पे 80 रख दिया। आप यहाँ पे एक बार जोड़ के भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो ये वाला मेथड ज्यादा ईजी है कि आप तुरंत निकालेंगे तो आपको बार बार जोड़ना घटाना नहीं है, यहीं पे परसेंटेज को अगर बढ़ रहा है तो आप जोड़ दीजिए, और घट रहा है तो कम कर दीजिए। 80 हो गया अपॉन 100 आपका अमाउंट आ गया। उसके बाद थर्ड अमाउंट फिर से इंक्रीमेंट हो रहा था 10 का, तो यहाँ 110 हो गया। फिर आपके पास टोटल 100 में से आपके 100 देखे चल रहे थे आप, तो उसमें माइनस कर दिया परसेंटेज निकाल दिया बस, और क्या किया 22 का तो नहीं कर पाए, अब 20 का 22 वाला तो नहीं कर पाए आप लोग। कैसे खरीद लेगा 6 किलो का, तब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा वैसे ही।
50, 60, 70 ये ऑप्शन है। 40 रुपीज, 50 रुपीज, 60 रुपीज, 70 रुपीज ये ऑप्शन है। 1200 में 6 किलो कम खरीद पाया है, पहले उसको भी तो देखो, तो तुम्हारा आंसर 200 तो हो ही नहीं सकता, कहीं से भी नहीं हो सकता, लॉजिकल ही नहीं। मान लो इनिशियल में प्राइस एक्स रुपीज था, अब एक्स रुपीज का 25% इंक्रीमेंट के बाद निकाल लो कितना, तो अगर एक्स रुपए है तो प्राइस मतलब एक्स रुपए है तो कितना खरीद पाएगा वो 1200 में, 1200 बटे एक्स। जैसे दुकान वाला आपसे कह रहा है कि जैसे घर से बोला गया कि 500 रुपए में जाके सेब खरीद जाओ, सेब वाला कह रहा है कि जो है 100 रुपए का मिल रहा है, 40 आंसर है, तो जो है 100 रुपए किलो है, तो आप कितना खरीद के लाएंगे घर, 5 किलो तो खरीद के लाएंगे, जब 500 रुपए लेके जाएंगे और जो है 100 रुपए किलो है, तो आपने क्या किया 500 बटे जितना उसका प्राइस था, तो 100 नीचे रखा आपने, तभी तो 5 आया, तो यहाँ पे 1200 बटे एक्स करना है, माइनस 1200 बटे जितना प्राइस आपका इंक्रीमेंट के बाद हुआ है उसको रखिए, इक्वल टू 6 का डिफरेंस। मेथड भी बता दिया, अभी भी ना कर पाइए तो फिर हम क्या करें।
इक्वल टू 6, 1200 कटे एक्स 1/5 इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या यहीं पे वो कर लो। यहाँ पे इसको भी काट दो, बस ज्यादा ऐसे ही काट के निकाल दो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत इसमें, कहीं कोई दिक्कत नहीं था इसमें। इसमें सिंपल आपसे कह रहा था कि पहले आपका प्राइस कितना है, आपने एक्स मान लिया, उसके बाद वो कह रहा है कि 25% प्राइस में बढ़ोतरी होगी, तो आपने 25% बढ़ोतरी का निकाल लिया कि वो क्वांटिटी आपकी 5x/4 हो गई। अब अगर इनिशियल में हमने 1200 में खरीदारी कर रहे हैं तो जितने रुपए पर केजी होगा ऐसे अमाउंट करेंगे तब तो निकलेगा, तो आपने क्या किया अपॉन कर दिया उसे, ये निकल आया। उसके बाद बढ़ोतरी वाले प्राइस के नीचे रख दिया, क्या बढ़ने के बाद कितना हुआ था, तो दोनों में से 6 किलो कम खरीद पाया था, यही तो बात कह रहा था। तो डिफरेंस इक्वल टू 6, हमने एक्स निकाल लिया, हमें पता चल गया कि प्रारंभिक मूल्य कितना है। बस बिल्कुल टफ नहीं है, लेकिन आप लोग हाथ नहीं चला रहे, थोड़ा सा हाथ चलाइए तो अपने आप आने लगेंगे क्वेश्चन, टफ थोड़ी है। क्या हो गया, चलो अच्छा भी इतनी सा क्वेश्चन देते हैं, बहुत सा क्वेश्चन ज्यादा हो गया। ये आपका PCS 18 का क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। एक्स प्लस वाई का 20% इक्वल टू एक्स माइनस वाई का 50%, आपसे पूछा है एक्स अपॉन वाई, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, ये तो आप बता ही सकते। ऑप्शन दे देती हूँ, 3/7, 7/3, 5/7, 3/7, 3/8। ये तो सभी का आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आपका कैलकुलेशन पुअर है, इसका मतलब आप लोग कैलकुलेशन अच्छा नहीं कर पा रहे, इसका मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। कितना 7/3, अब तक आ जाना चाहिए था। चलिए बाकी नहीं कर पा रहे, एक्स प्लस वाई 20% यानी 25/100, एक्स माइनस वाई 50% यानी 50/100, 100 से 100 कट कर दीजिए, 0 से 0 कट कर दीजिए, 2x + 2y इक्वल टू 5x - 5y, 5x यहाँ है, उसको यहाँ ले आइए, उसको वहां ले जाइए, 2x, x को यहीं रख देते हैं, नहीं अभी तक इसको उधर ले गए, इसको यहाँ ले आए, -2y - 5y, -3x = -7y, -, कट एक्स वाई वाई, वाई को उधर ले आए, अब यहाँ क्या बचा है 7 और ये 3, 7/3, बस। इसमें क्या टफ था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ये तो एक तरीके से परसेंटेज का क्वेश्चन ही नहीं है,
100 लिखना था बस, सिर्फ परसेंटेज से जोड़ने के लिए इतना ही किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम परसेंटेज और औसत को जोड़ेंगे, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं। अभी औसत पढ़ा है, इससे पहले ही पढ़ाया, अब दोनों को जोड़ती हूँ, देखती हूँ कर पाते हैं। ये देखिए, ये बीसीएल 16 का क्वेश्चन, दो तरह का 16 का है। यदि एक संख्या उसका 50%, यदि एक संख्या फिर कॉमा लगाना है, फिर उसका 50% और उसी संख्या के 25% और उसी संख्या के 25% का औसत 280 है, का औसत 280 है, तो संख्या पूछ रहा है बस। संख्या है और संख्या का 50% और संख्या का 25%, इनका औसत है आपका 280 और आपसे संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन क्यों, ऑप्शन देख के कर पाते हो क्या? कर पाओगे तभी तो आंसर बताओगे, कि ऑप्शन देख के कैसे पता चलता है कि मतलब जब करोगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। ऑप्शन तो सिर्फ टैली करने के लिए है कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। 160 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अच्छा, इसलिए ऑप्शन आप लोग मांगते हैं, उसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है हमारा आंसर। टाइम को बस नहीं कर पाए आप लोग। पहली संख्या x है, x का 20 पहले 50% है, तो x का 50% और उस संख्या का तीसरा क्या है 25% औसत। औसत मतलब यहाँ कितनी चीजों की बात की गई है, एक तो आपकी संख्या हो गई, एक उसका 50% है, एक 25% है। इस तरह से देखा जाए तो तीन चीजें अलग अलग है आपके पास। एक संख्या लिखाया था, मैंने कॉमा लगाया था, इसीलिए लगवाया था कि कहीं ऐसा ना हो आप उसे ना जोड़े, इसलिए एक संख्या उसका 50% और उसका 25% इसका औसत, इसका मतलब बटे तीन, क्योंकि हमारा एक ये है और ये बराबर। औसत कितना आ रहा है, औसत 280। बस इसको सॉल्व करके ऐसा मान बता देना है, बस 400। अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा गड़बड़ है, 10-20 रुपए का फर्क है, ज्यादा 80 हो जाएगा। हाँ बस 10-20 रुपए जोड़ 80 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए था, आपको फंस रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी टफ नहीं था। क्या टफ है बताइए, सिर्फ इतना कह रहा है कि इसका 50%, इसका इतना परसेंट है, उसको औसत मतलब उसको जोड़ देना है, और क्या करना है, और उसमें कितनी चीजों की बात की गई है, बस तीन चीजों की बात कर रहा था, तीन आपको डिजिट दी हुई थी, इसलिए आपने अपॉन फ्री रखा। अब उसको सॉल्व कर देना है बस सिंपल, तो ये एक्स हो गया 50/50 अपॉन, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये एक्स बाई 2 हो गया, ये 25 और ये 4, एक्स बाई 4 हो गया, और ये नीचे 3 इक्वल टू, इसका एलसीएम आ गया 4, 4x प्लस 2x प्लस एक्स, और ये नीचे 3 इक्वल टू 280, 4, 5, 6, 7, 7x अपॉन 12 इक्वल टू 280। एक्स इक्वल टू, इसको याद वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है लेकिन फिर भी ना समझ पाओ,
अभी कुछ लोग कहेंगे मैडम ने तो काट भी बिल्कुल पता नहीं क्या कर दिया उसका। ठीक है बस और क्या देना था इसमें, जो ट्रेंड चल रहा है जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको करने की हैबिट डाली। क्वेश्चन इसी टाइप के आ रहे हैं, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आ रहे। इसमें क्या टफ था, ये तो परसेंटेज के जो और टफ वाले क्वेश्चन है उनसे भी इजी है। इसमें कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ परसेंटेज निकाल निकाल के रख देना था। सिर्फ उसने क्या किया, औसत से कंपाइल कर दिया बस। कंपाइल करने की वजह से क्वेश्चन और इजी हो गया। ऐसे परसेंटेज के क्वेश्चन और टफ आते हैं आपके, ये उससे भी इजी था। हाँ ये क्वेश्चन x की वैल्यू निकालनी है इसमें बस। x इक्वल टू बताना है 16.5% है वो, 48 होगा 16.5% x का 3/4। ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल है। अब इससे आपको x की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन दे दें, बस यही करना था आपको। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जहां भी का लगा है या ऑफ लगा है जिसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। वो आपने यहाँ मल्टीप्लाई लिखा, यहाँ परसेंटेज था इसलिए अपॉन 100 किया, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। आपको बता दिया बस। कितने बच्चे नए हैं इसमें जो मतलब अभी रिसेंट एडमिशन ले रहे? कौन से कॉलेज से हो आप लोग? यही क्यों हो गया ये सभी का? कैलकुलेशन से डरेंगे तो देखिए एक चीज होती है, आप एक दिन करेंगे दो दिन करेंगे फिर क्या करेंगे, या तो उसको पढ़ेंगे या तो पढ़ना छोड़ेंगे। दो में से एक ही चीज होगी, या तो आप उसको थोड़ा सा और समझना शुरू करेंगे पढ़ना शुरू करेंगे, या तो उसको पढ़ना धीरे धीरे कम कर देंगे।
कम करते करते ऐसा हो जाएगा कि जब मेरी क्लास होगी तो उससे पहले आप बैग उठा देंगे, ठीक है। वो इसलिए उठा लेंगे क्योंकि आपसे कैलकुलेशन होगा नहीं और आपको समझ में आएगा नहीं। तो 2-4 दिन आप बैठेंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि इससे चल कर बाहर ही घूम लूँ, थोड़ी हवा लग जाएगी मुझे, ठीक है। तो जितने क्वेश्चंस बताए जाते हैं एटलीस्ट पहले तो उसकी लेंथ जरूर दिखा करिए, पहली चीज, क्योंकि घर जाके अगर आपको अगेन रिपीट करना है तो क्वेश्चन तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जाके आप भूल जाएंगे। इसलिए पहले तो क्वेश्चन पूरा नोट किया करिए, उसके बाद जैसे ऑप्शन भी मैंने बगल में दिए हैं तो ऑप्शन लिखना हो तो लिख लीजिए, अदरवाइज ऑप्शन की जरूरत नहीं है। आप उसको हर क्वेश्चन को 2 बार करिए, अपने आप आपको धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। जैसे अलजेब्रा मैंने पहले भी पढ़ाया था, अभी फिर आपको पढ़ाया अलजेब्रा तो 2-2 बार पढ़ाया, और उन्होंने बताया कि उनसे क्वेश्चन निकलने लगे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो धीरे धीरे क्वेश्चंस निकलने लगेंगे, लेकिन जब आप करेंगे नहीं तो वहाँ से निकलेंगे। किसी चीज की प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब बिल्कुल इजी वाला क्वेश्चन है, पास और फेल होने वाला। एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए, 455 छात्र फेल हुए, 35% छात्र पास हुए हैं, 455 फेल हो गए, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे? हाँ, कुछ याद आ गया है आपको, नहीं क्लास खत्म होते होते आंसर आना शुरू हो गया, और बीच के लोग आंसर नहीं दे रहे बिल्कुल। इसमें सबसे पहले आपको दे दिया गया है कितने स्टूडेंट्स आपके पास हुए, जब पास आपके 35% हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं? 65% 100 से आपने माइनस कर दिया, अब 65% आपके फेल हुए हैं, और फेल के नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं वो भी आपको दे दिया है, तो उसको बस इक्वल कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। एक ने पास दे दिया है, अब विजिट में आपको फेल दे रहा है, तो पहले परसेंटेज निकाल लीजिए फिर इक्वल कर लीजिए उन्हें बस। अभी भी कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, 35% आपके पास हुए हैं तो फेल हुए हैं। अब मान लीजिए कि x फेल हुए हैं तो x का 65% इक्वल टू कितने स्टूडेंट हैं? 455 कितने फेल हो गए हैं, तो x मल्टीप्लाई 65/100 इक्वल टू 455, तो 65x इक्वल टू 455/100 x इक्वल टू 455/100 अपॉन कितना आंसर आ रहा है? बस ये करना है। अब लास्ट क्वेश्चन,
जो रिलेशन आ जाएगा उसमें वाई अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, पता चल जाएगा कितने प्रतिशत है। रिलेशन क्या है दोनों में? आ गया यहाँ तक सभी का आ गया x इक्वल टू 4y, ये इन दोनों में आपने रिलेशन निकाल दिया। अब आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता था कि x अपॉन y जो भी आपने क्वेश्चन किया था, तो अगर x अपॉन y पूछा जाएगा तो 4y 1, एक क्वेश्चन तो एक टाइप का ही आपने अभी किया था। अब इसमें बस थोड़ा सही हो गया कि कितना परसेंट है, तो आपको यहाँ क्या करना है y, यानी y यहाँ से कितना आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स बाई 4, यहाँ से जब आप निकालेंगे y इक्वल टू एक्स बाई 4, तो आपने लिखा x बाई 4 और ये नीचे x, इसका पूछ रहा है कितना परसेंट है, तो x से x कर दिया, 100 बाई 4 कितना आ गया 25%। परसेंटेज को एक बार और करिए आप, परसेंटेज का रिस्पांस आप लोग का थोड़ा डाउन है, उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं अभी, इजी इजी क्वेश्चन थोड़े और करिए, ठीक है? एक हम तो कराएंगे तो हम तो चार टन यही थोड़ी करा करेंगे, हमें तो और पढ़ाना है, तो आप लोग अपने आप और प्रैक्टिस करिए। अभी परसेंटेज ठीक है आपका, औसत तब भी ठीक था, एवरेज तब भी ठीक था आपका, और एल्जेब्रा वगैरह सबके क्वेश्चन चार चार पाँच पाँच अपने आप डेली किया करिए। अब जैसे सी सेट वाले उड़ गया होगा दिमाग से पूरा कि रीजनिंग में क्या पढ़ा था, सब धीरे धीरे उड़ रहा होगा, वो प्रैक्टिस किया करिए।